आपने क्या किया बाबा? पिछली बार जब मंजुला आई थी तो उसी समय तुम्हें किताबों की बहुत जरूरत थी। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैंने मंजुला से कुछ मदद मांग ली थी। भीम ने विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी है और विज्ञान की किताबें बहुत ही महंगी आती है। तुम तो जानती हो कि मेरी पेंशन बंबई की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। मंजुला बेटी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, पेंशन मिलते ही लौटा दूंगा। उसके बदले उसने मंजुला बेटी ये रख लीजिए बाबा, भाई है वो मेरा, वो जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाइए, लेकिन भीम को मत बताइएगा कि उसकी पढ़ाई के लिए पैसे मैंने दिए हैं, वरना वो कोई काम देखने लग जाएगा। सोचा था कई ज्यादा काम करके उसकी चैन छुड़वा लूंगा, लेकिन नहीं छुड़वा सका। भी बेटा, जितना दर्द तुझे हुआ है ना, उससे कई ज्यादा दर्द मुझे हुआ है मंजुला की चोट देखकर। और एक बेटी का दर्द बाप से बढ़कर कौन समझ सकता है? कुछ भी हो जाए, मंजुला की चैन में छुड़वा कर लूंगा। क्या हुआ बेटा? घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। जीजा भाई, इससे अभी आराम करने दो, थोड़ी संभल जाए, फिर जो पूछना है पूछ लेना। चला चल रमा, इसे अंदर लेकर जाओ। अब ये क्या नई पहेली है? पिछली बार जब मंजुला आई थी तुम्हें किताबों की बहुत जरूरत थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैंने मंजुला से कुछ मदद मांग ली थी। सोचा था कई ज्यादा काम करके उसकी चैन छुड़वा लूंगा, लेकिन नहीं छुड़वा सका। ऐसे खोया खोया क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं दीदी कि पढ़ाई की किताबें इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि किसी की चैन गिरवी रखनी पड़ जाए। बाबा को मना किया था, मतलब बाबा ने तुझे सब कुछ बता दिया? कोई बात नहीं, बुआ बता रही थी कि 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तू कॉलेज जा सकता है। हाँ सच, देख समय भी हो गया है, जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। इस वक्त मेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी आपका ससुराल लौट जाना है। नहीं, तेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तेरे कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। जा उठ, जा कॉलेज के लिए तैयार हो जा, जा। मंजुला, तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है। ये हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है,
और ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे भाइयों ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, फिर ये तो कुछ भी नहीं है। बेटे को इतना सर पर मत चढ़ाइए आप, तबीयत खराब है आपकी, भीम को बोल देते दूध लाने। नहीं, वो काफी देर तक पड़ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। भीम के पक्ष में इतने तर्क है ना आपके पास, जाइए आराम कीजिए, चाय बनाकर लाती हूँ। जाइए। जीजा भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहीं तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझसे कैसी मदद? वो तुम्हारे कान के चाहिए थे, बड़ी हिम्मत जुटा कर मांग रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्यों चाहिए आपको वो? अच्छा, भीम को कॉलेज से निकाले 15 दिन हो गए, आज उसे फिर से कॉलेज जाना होगा, उसके कापी किताब, इसके लिए चाहिए ना आपको? तो माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं, बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए चाहिए थे। क्या हुआ रमा, कुछ कहना चाहती हो? मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ। मंजुला दीदी के साथ जो भी हुआ है मुझे सब पता चल गया। अब मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो गहना है वो मैं बाबा को दे देती हूँ, और मेरे गहने गिरवी रख के मंजुला दीदी के गहने छुड़वा लेते हैं। नहीं रमा, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? क्यों नहीं होने दे सकते हो? आप ये समझ लीजिए कि आपके पढ़ाई के लिए मंजुला दीदी की जगह मेरे गहने गिरवी रखे हैं, और एक पत्नी अपने पति के लिए इतना तो कर सकती है ना? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो गहने हैं वो मैंने नहीं दिए हैं, इसलिए उन्हें गिरवी रखने का या बेचने का हक मेरा नहीं है। आप जानते हैं गहने औरतों के भविष्य की जमानत होते हैं, और ये गहने तो आपने भी खरीद कर नहीं दिए हैं मुझे, इसलिए नहीं दे सकती हूँ मैं आपको, चाहे जो भी हो जाए। कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपके भीम के प्रति प्रेम के कारण ही ये समस्या हमारे घर में आई है। नहीं लेना चाहिए था आपको चेन मंजुला से, काश आपको भीम के अलावा आपके बाकी के बच्चे भी दिखते। अगर सिर्फ मंजुला की बात होती ना तो मैं दे भी देती आपको, लेकिन ये मसला भीम से जुड़ा है और इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकती।
कोई मदद नहीं कर सकती आपकी, कोई भी। माफ कर दो जीजा भाई, मैंने कुछ तुमसे ज्यादा ही उम्मीद की थी, माफ कर दो। लेकिन हाँ जीजा भाई, ये दिन और ये समय मुझे हमेशा याद रहेगा। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करके मैं मंजुला दीदी के चेन छुड़वाऊंगा। तुम बस अपने पति पर विश्वास रखो, तुम्हारे ये गहने गिरवी रखने की नौबत नहीं आने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मेरे कारण किसी को परेशानी नहीं होने दूंगी। रुको भीम। क्या हुआ दीदी? बताती हूँ। आज से तू इसे पहनकर ही कॉलेज जाएगा। लेकिन ये कोट तो... हाँ, ये बाबा का कोट है, लेकिन अब तू कॉलेज जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अब कल दिन बड़ा आदमी बन जाएगा, तो इसे पहनने की आदत तुझे डाल लेनी चाहिए। अब देख, हमारे घर के हालात जो भी हो, लेकिन ये बाहर वालों को तो नहीं पता चलना चाहिए ना। चल पहन ले इसे। नहीं दीदी, लेकिन चल पहन, चल 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 पहन। कितना सुंदर लग रहा है मेरा भाई, नजर ना लगे। चल जा कॉलेज। जा लक्ष्मी, वो गहने के बारे में कुछ सोचा तुमने? आपने आज तक जो कुछ भी कमाया सब अपने भाई पर खर्चा कर दिया, मेरे लिए आपने गहने कब बनवाए जो आप मुझसे मांग रहे हैं? मंजुला दीदी के लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन उनके लिए मैं अपने गहने क्यों दूं? वो मेरे बाबा के दिए हुए हैं। सिर्फ इस बार मदद कर दो, मैं तुम्हें दोबारा बनवा दूंगा सारे गहने। कांच की चूड़ियां खरीदने की औकात नहीं छोड़ी आपके भाई ने, और आप गहने बनवाने की बात कर रहे हैं? और जिस भाई के चलते ये सब कुछ हो रहा है, वो क्यों नहीं कुछ कर रहा? वो तो चले गए कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए, और आप उनके पाप धोने के चक्कर में पड़े हैं। लक्ष्मी, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा था कि इस बार तो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम रहने दो। अरे भीम बस कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला? तो मंजुला दीदी स्कूल जा रही है, और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। मर जाएंगे, लेकिन इंसान होने के गुरूर के साथ मरेंगे। बचपन में हम सबने आसमान के तारे गिने, भूख लगेगी तो फिर से गिन लेंगे। मंजुला का दोषी मैं हूँ। पिछली बार जब मंजुला आई थी, तुम्हें किताबों की बहुत जरूरत थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैंने मंजुला से कुछ मदद मांग ली थी। तेरे कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तेरे कॉलेज न जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है, तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। अरे भीमराव, भाई
15 दिन बाद कॉलेज आया है भीमराव, स्वागत का हकदार है, स्वागत करो इसका। तालियां बजाओ। हेलो, इसके बारे में कुछ नई बातें बताता हूं। तुम भी रुको भीमराव, अगर कुछ गलत हो तो रोक देना। छोटी जात का अस्पृश्य मनहूस तो है ही, और इसके बारे में कुछ नई बातें हैं तो बताओ, है ना? इसका बाप वहां पर नौकर है, जहां का मैं मैनेजर हूं, है ना भीमरा? ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी मुंह बोली बहन ऐसी वैसी जगह पाई गई, है ना भीमरा? ऐसा क्या? बहुत बुरा हुआ। और तो और इसकी सगी बहन कहीं से मार वार खा के लौटी थी मोहल्ले में कल। सही कहा ना भीमराव? ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या लिख रहा है भीमराव? अरे आदत है इसकी बात बात में कंप्लेन लिखकर थाने जाने की धमकी देता है पुलिस को, और कर भी क्या सकता है। डियर नरोत्तम जी, I'll become a barrister through my qualifications. I would like to suggest you to better concentrate in your studies, become a barrister rather than humiliating others and then argue. Because at least some conclusion would come there instead of wasting time arguing in public place. गंगा जल लेके आ। भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ ना आज काम पर। हाँ बाबा, हम जा रहे हैं ना, हम संभाल लेंगे। आराम जी, दीदी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, फिर काम पर चलना। नहीं, मुझे काम पर जाना ही होगा, हर हाल में जाना होगा। भैया। बाबा। पुरंजन, भैया का ख्याल रखना। हाँ दीदी, सुनिए तो। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ साथ में। अरे भीमराव, हाँ औकात भूल गया क्या अपनी? बैरिस्टर बनेगा, बैरिस्टर का रुतबा, बैरिस्टर का ओहदा, बैरिस्टर की कुर्सी, बैरिस्टर का कोर्ट, ये सब तेरी जात की पहुंच से बहुत ऊपर है भीमराव। वैसे कोट तो मैंने अभी भी पहन के रखा ही है, लेकिन बैरिस्टर का कोट, बैरिस्टर की कुर्सी और बैरिस्टर का ओहदा मेहनत से मिलते हैं। इस कागज पर मैंने इसलिए लिख कर दिया था क्योंकि मुझे लगा आपका स्वाभिमान थोड़ा बहुत जागरूक हो जाएगा, मुझसे बहस करने के बजाय आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन आपने तो कसम ही खा के रखी है, बाकी सब चीजों को छोड़कर आप मेरे पीछे पड़े रहेंगे, और ये भी कसम खाई। मेरे सामने ये महान बनने का नाटक मत कर भीमराव,
मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं स्वयं निश्चित करूंगा। और इसी तरह मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कैसे चल रहा है ये मैं निश्चित करूंगा।